मध्य प्रदेश की सियासत का बड़ा चेहरा प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी में सार्वजनिक मंच से अपने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। उनके चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव न लड़ने के फैसले को महिला सम्मान से जोड़ रही है। बता दें कि यशोधरा राजे सिंधिया बीजेपी की फाउंडर मेंबर राजमाता विजय राजे सिंधिया की छोटी बहन बेटी है। वर्तमान में यशोधरा राजे सिंधिया पार्टी के भीतर कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। हालांकि 20 दिन पहले तक यशोधरा राजे यहां पर चुनावी हुंकार भर रही थी। उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हुए वीरेंद्र रघुवंशी को भी चुनावी मैदान में ललकारा था। यशोधरा राजे सिंधिया के फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस मामले में यशोधरा के चुनाव न लड़ने के पीछे उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दे रही है। बीजेपी यह भी कह रही है कि सियासत में चुनौतियों तो हर नेता के सामने होती है, लेकिन उनका चुनाव लड़ना उनका निजी फैसला है, इसके पीछे बीजेपी की कोई आंतरिक गुटबाजी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में महिला नेत्री अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आज इस मंच से मैंने संकल्प को पहले ही ले लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं, पर आज जिस तरह से आपका मंत्रोच्चार हुआ नवग्रह मंदिर में और जिस तरह से मेरी माँ के सामने जो मंत्रोच्चार हुआ आपके, मेरा मन इतना भावुक हो गया कि वो जो निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूँ। सबसे पहले केस तो यह है कि कांग्रेस की जीत तय है और ये यशोधरा राजे सिंधिया को भी दिख रहा है। उसके पहले भी उन्होंने 2-3 दिन पहले भी कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। तब ये लग रहा था कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह देना चाहती हैं या जिस भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन ये बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में महिला नेत्रियों के लिए जगह नहीं है। समाचार पत्रों में पढ़ा है वक्तव्य, उसमें उन्होंने कहा शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको बार बार कोरोना हुआ है, तो 5-6 महीने उनको रिकवर होने में लगेगा ऐसा उन्होंने कहा है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इस पर तो कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उन्हें लग रहा है कि वो स्वस्थ नहीं है तो उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता।